उज्जैन के महाकाल मंदिर के गर्भगृह में आग केमिकल वाले गुलाल से ही भड़की थी। जांच कमेटी की सीसीटीवी फुटेज से इसके सबूत मिले हैं। कमेटी ने गुरुवार को प्राथमिक जांच रिपोर्ट जिला कलेक्टर नीरज कुमार सिंह को सौंपी है। इसके बाद देर रात कलेक्टर ने मंदिर प्रशासक संदीप सोनी को हटा दिया है। फिलहाल जिला पंचायत सीईओ मृणाल मीणा को महाकाल मंदिर के प्रशासक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। कलेक्टर सिंह ने कहा कि फाइनल रिपोर्ट आनी बाकी है, गुलाल की जांच भी जारी है। लैब रिपोर्ट आने के बाद ही कह पाएंगे कि उसमें केमिकल था या नहीं। बता दें कि महाकाल मंदिर के गर्भगृह में होली के मौके पर 25 मार्च की सुबह भस्म आरती के दौरान आग भड़क गई थी। इसमें पंडित पुजारी समेत 14 लोग झुलस गए थे। महाकाल मंदिर में जो घटना हुई थी उसके लिए जांच टीम गठित की गई थी, जिसने एक प्रारंभिक रिपोर्ट सबमिट की है। सभी बिंदुओं पर नहीं, 4 बिंदुओं पर उन्होंने अभी रिपोर्ट सबमिट की है, जिसमें कि मुख्य तौर पर जो आग लगी थी वो बताया गया है कि जो गुलाल पीछे से ला कर के डाला गया और बाहर से लाया गया, और वो जब कपूर की थाली पर गिरा तो उससे आग भभकी थी और फ्लैश फायर हुई थी। यही फाइंडिंग्स जो हमने फायर एक्सपर्ट को बुलाया था उनके द्वारा भी सेम फाइंडिंग्स दी गई हैं। जो सैंपल है गुलाल का वो अभी अंडर टेस्ट है, उसमें कौन से ऐसे मटेरियल थे जिससे कि ये फायर फ्लैश हुआ था, फ्लैश फायर हुआ था, वो जो है रिपोर्ट फाइनल रिपोर्ट में आएगा। लेकिन ये निश्चित है कि जो बाहर से गुलाल आई थी उसी में कोई ऐसे सब्सटेंस थे जिससे कि जो है ये आग लगी।